दोस्तों, ये है फिटशॉट कनेक्ट स्मार्ट वॉच, वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच अंडर 1500 रुपीस बजट। आज से 6-7 महीने पहले मैंने आपको इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो दिया था। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस दिए थे मैंने, अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है ना, तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच है। फुल मेटल बिल्ड बॉडी के साथ आता है एंड इसके अंदर आपको 1.85 इंचेस का 500 निट्स वाला डिस्प्ले, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है, कैलकुलेटर है, पिन लॉक का फीचर है, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए के बजट के अंदर देखने को मिल जाता है। ये मेरा प्राइमरी स्मार्ट वॉच है, पिछले 7 महीनों से मैं इसे पहन रहा हूं, मैं इसे रेगुलर यूज करता हूं, तो एक बहुत ही डिसेंट सा स्मार्ट वॉच है। इसके ऊपर मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, अगर आपने एक भी नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो पे गाइस मैं इस स्मार्ट वॉच का वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि इसके फीचर्स एंड इसके क्वालिटी से मैं सच में काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है गाइस। मेरा नाम है एनिमिस्ट, इस चैनल पे नया आया हूं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच फुली वर्किंग कंडीशन पे है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा इसका टच, बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाता है। इसका कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट सब कुछ बहुत ही आपको अच्छे क्वालिटी का इसके अंदर देखने को मिल जाता है। रियल सेंसर मिल जाता है, लाउड स्पीकर है इसके अंदर, आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो, म्यूजिक प्लेबैक मिल जाता है, सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस स्मार्ट वॉच के अंदर। तो इसको वाटरप्रूफ टेस्ट करने के लिए ना, पहले करते हैं क्या, जो जो चीज लगेगा उसको ले आते हैं। तो ये रहा गाइस ये कंटेनर जिसके ऊपर मैं सारे स्मार्ट वॉचेस के फ्रीजिंग टेस्ट एंड वाटरप्रूफ टेस्ट करता हूं। तो चलो इसमें पानी भर लेंगे अच्छे तरीके से। तो एक बोतल पानी मेरे पास, इसको इसके अंदर पूरा डाल देते हैं। ये स्मार्ट वॉच ना IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है एंड ये सच में एक वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच है, आपको अभी पता चलने वाला है, क्योंकि इसे मैंने रियल लाइफ में बहुत ज्यादा भिगा रखा है, बहुत ज्यादा यूज किया है मैंने, लेकिन अब तक फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो अगर आप ये स्मार्ट वॉच लेने के लिए सोच रहे हो ना, अगर आप फ्लिपकार्ट पे देख के इसे कंसिडर कर रहे थे, तो इस वीडियो को देख करके शायद आपका कुछ डाउट क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे गाइस मैंने स्टॉप वॉच को लगा दिया है, चलो ऑन करते हैं और एक मिनट के लिए इसे मैं डिप करने वाला हूँ। स्टार्ट कर दिया मैंने और एक मिनट तक पूरा इसे अंदर डाल देंगे। देख लो यहाँ पे ये फुल स्टार्ट है, अभी वर्किंग कंडीशन पे, इसको अंदर डुबा दिया है मैंने एंड एक मिनट से थोड़ा ज्यादा रख दूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाद कर लिया और कोई भी कट नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इसे डुबा करके ना, लाइव आप देख रहे हो, कोई भी कट नहीं होगा। एक मिनट के बाद तक इसे निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये खराब हो जाता है। मैं ऐसे से हिला रहा हूं ताकि अगर इसके अंदर पानी जाना होगा ना, तो जा सकता है स्पीकर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है और अभी तक मुझे इसके अंदर कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा है दिक्कत, सब कुछ यहाँ फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, इसका डिस्प्ले भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलो 36 सेकेंड हो गया, 1.5 मिनट तक इसे अंदर रखते हैं। अच्छे तरीके से हिला दो, अगर पानी जाना होगा इसके अंदर तो जा सकेगा यहाँ पे। तो 1 मिनट 27, 28, 29 एंड 30 स्टॉप। तो 1.5 मिनट ये अंदर रह चुका है गाइस और अब निकालते हैं स्मार्ट वॉच को बाहर और देखते हैं कि क्या ये जिंदा है या खराब हो चुका है। तो इसको एक बार झाड़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो चलो मोमेंट ऑफ ट्रुथ, यहाँ पे डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो चुका है, मुझे पता नहीं कि ये अभी खराब हो गया है कि जिंदा है कि क्या है। पावर बटन दबाते हैं, चलो इन 3, 2, 1। तो पावर बटन मैंने दबाया और इसके डिस्प्ले पे आ चुका है, स्क्रीन पूरा दिख रहा है अभी, यानी कि डिस्प्ले खराब नहीं हुआ है। टच रिस्पॉन्स देखते हैं, मेरे हाथ पे हल्का फुल्का पानी भी है, तो एक बार क्या करते हैं ना, हाथ को अच्छे से पोंछ लेते हैं। अब देखते हैं गाइस, देखो इसका टच भी यहाँ पे वर्क कर रहा है फर्स्ट क्लास तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं आया इसके अंदर, वाओ। तो देखो इसका सेंसर भी वर्क कर रहा है, ग्रीन लाइट आपको यहाँ पे जलता हुआ नजर आ रहा था, देखो। तो सब कुछ अभी फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, 1.5 मिनट तक ये पानी के अंदर रहा, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ भी खराबी नहीं हुआ है। मुझे पता था ये खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे डेली रफ यूज कर ही रहा हूँ और एक्सट्रीम कंडीशन पे यूज कर रहा हूँ। इसका डिस्प्ले ना इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बेजल एकदम एक्यूरेट दिया गया है, इक्वल बेजल आपको देखने को मिलता है और बेजल स्क्रीन में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, फुल ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सा फील होता है ये स्मार्ट वॉच ब्लैक वॉलपेपर्स के साथ भी, देखो काफी बड़ा सा फील होता है। तब करते क्या ना, इसको चार्ज करने के लिए टेस्ट करते, देखते कि क्या ये चार्ज लेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मैग्नेटिक पिन चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलता है। तो लेट्स टेस्ट कि क्या वर्क करता है। तो गाइस इसके साथ इस तरीके का एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने किसी भी पावर बैंक या मोबाइल फोन के चार्जर में लगा के चार्ज कर सकते हो। तो स्मार्ट वॉच पे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चार्ज लेता है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है और जी हाँ गाइस, ये चार्ज ले रहा है। अभी देखो 47% के अराउंड इस पर बैटरी शो हो रहा है, यानी कि
ये स्मार्ट वॉच सच में आपको एक वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच मिलता है। इसको आप पहन करके बारिश में भीग सकते हो, स्विमिंग भी कर सकते हो 30 मीटर डीप तक, और आपका ये स्मार्ट वॉच खराब नहीं होगा। कंपनी क्लेम करती है कि वाटर रेजिस्टेंट स्मार्ट वॉच है, ये सच में एक वाटर रेजिस्टेंट स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिलता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और परचेस करना चाहोगे इसके बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काफी अच्छे स्मार्ट वॉच है, बाकी वीडियोस भी आप चेकआउट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।